हेलो स्टूडेंट, क्लास 4, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन हमारा 4, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कंटिन्यू करेंगे हम, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके वर्ड फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी एचसीएफ एंड एलसीएम में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम की फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी तक आपको एचसीएफ करना आ चुका है, कैसे हम प्राइम फैक्टर्स से करते थे, डिवीजन मेथड हमने किया, एलसीएम आपने किस तरीके से किया। तो आपका सेम उसी टाइप का है, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हैं, नियम हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। तो पेज नंबर 59 में आपके ये 3 एग्जांपल है, इन्हीं में आपके ये जो पेज नंबर 60 का है, इसी में आपके क्वेश्चंस क्या हैं, बेस्ड हैं। इससे पहले भी आपने, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ हमने जो फॉर्मूले करे थे उसके बेस्ड में, और ये जो 3 आपके मेन एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, पेज नंबर 60 में भी सेम आपके उसी टाइप के क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो हम वो करेंगे, आप देखिए पेज नंबर 60 का हम सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर आपका है 4, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, पेज नंबर है आपका 60। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 48 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको वो लीस्ट नंबर यानी कि छोटा, वो छोटा नंबर ढूंढना है जिससे क्या होगा, जब आप 24 से 36 या 48 से उसको डिवाइड, जब भी आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा वहाँ पे, 8। तो अभी तो हमको सिर्फ ये नंबर्स पता है, जिससे हमको क्या यहाँ पर मिला है, 24, 36, 48 मिला है, ठीक है। ये हमको क्या मिला है, डिविजर मिला है, और हमको डिविडेंड चेक करना है, यानी कि वो जो लीस्ट नंबर है, जो छोटा नंबर हमको ढूंढना है, स्मॉल नंबर जो ढूंढना है, वही हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो जब हम उसको 24 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 36 से करेंगे, 48 से करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा वहाँ पे, 8। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि आपको लीस्ट नंबर चेकआउट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन नंबर्स का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे, फाइन करेंगे उनका एलसीएम, देखेंगे क्या है उनका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले कर लेते हैं, 24, 36 एंड 48 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम आपको पता है कि सबसे, जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करते चले जाते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पे, सभी ये हमारे क्या इवन नंबर्स है, तो हमने 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। फिर है 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, इसको आप डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 6 18, 2 9 18, 2 1 2 एंड 2 2 4। फिर हमने 2 को 6 से किया, 2 3 6, 9 2 से नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 6 12, ठीक है। अभी भी 6 है यहाँ पे, यानी कि अभी भी इवन नंबर है, तो अभी भी 2 से हम करेंगे इसको, 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 9 को भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। फिर हमने 2 को 6 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया, 3। अब 3 9 3 है, यानी कि आपके क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की छोटी डिजिट आपकी 1 होती है, उससे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे इसको, हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो अब अभी आपके पास एक और 3 बचा है, 3, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 तो यहाँ पर आ गया आपका, 3 1 3। तो ये आपका पूरा का पूरे फैक्टर्स इसके क्या हो गए, वर्ग क्या हो गए, वर्गीकरण हो गया इनके। एलसीएम आपका इनके 24, 36 एंड 48 के क्या एलसीएम आया आपके पास। जब भी आप एलसीएम करते हैं तो आपको पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो आपके फैक्टर्स निकल के आए हैं, फैक्टर्स मतलब यही होता है ना कि आपको लोवेस्ट करना होता है, यानी कि आपको पूरा पूरा डिवाइड करना होता है, जब तक आपका क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। तो आपके एलसीएम जब भी आप करते हैं तो आप इन जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने निकल के आए थे हमारे, एलसीएम ऑफ 24, 36, 48 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3,
यानी कि टू कितने टाइम्स है, फोर टाइम्स है, एंड थ्री कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो कितना आंसर है आपके पास, 144। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको चेक करते हैं, अगर 144 को यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे चेक किया है, 144 को 24 से हमने जब डिवाइड किया तो ये पूरा कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। फिर हमने 36 को किया, जो हमें यहाँ पे नंबर्स मिले थे, ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर 48 से किया तो ये भी हमारे पास डिवाइड हो गया, यानी कि कोई रिमाइंडर यहाँ पे बचा नहीं है। तो अभी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 144 हमको लीस्ट नंबर तो मिल गया, ठीक है, लीस्ट नंबर हमको मिल चुका है। क्या मिला है हमको, 144 मिला है। लेकिन वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपका लीस्ट नंबर जो है आपका मिलेगा, जब आप उनको इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आपका 8 रिमाइंडर आपका बचना चाहिए। तो जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा लीस्ट नंबर आया है हमारा 144, उसमें हम ये जो रिमाइंडर हमको दिया है यहाँ पे, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 144 को हमने 144 में हम 8 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा आंसर, 152, ठीक है। अब जब हम 152 को 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 8। अगर हम इसको 36 के भी डिवाइड करते हैं, 36 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सारे नंबर से डिवाइड कर देख लीजिए, 36 को अगर हम करेंगे तो 7 6 जा कितना, ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम कितने जरा 2 जा भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम कितने जा करेंगे, तो यहाँ पे 152 को 36 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 24 से तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, यहाँ पे 8 आपका रिमाइंडर आ गया आपका, तो 36 को हम 152 में डिवाइड करेंगे, तो 36 4 जा करके देखते हैं, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, एंड 2 कितना हुआ, 12 13 14, 4 जा करेंगे 144। अब माइनस करेंगे, 2 से हम 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो 12 में से 4 आपका माइनस होगा, तो कितना है आपके पास यहाँ पे, 8, एंड 4 से 4 कैंसिल हुआ 0, 1 से 1 0, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 8। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाता है तो आप एलसीएम करेंगे, जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, लीस्ट नंबर, और जो आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया है आपको उसमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप अगर आपका आंसर अपना चेक करना है कि सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उस लीस्ट नंबर को आप डिवाइड करके देख लीजिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सीधा एलसीएम करेंगे और उसमें नंबर ऐड कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप, ये सारे टाइप वाइज क्वेश्चन हैं, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपके क्या है, बेस्ड है, इसमें कोई फॉर्मूला पुट नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ पे आप एलसीएम नोट करेंगे, लिख करेंगे कहाँ पे एचसीएल, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 60 का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 63, 35 एंड 77, लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, तो अभी आपने लीस्ट नंबर जब हमने किया था तो आपने एलसीएम निकाला था, और आपने ध्यान रखना है कि जब आप ग्रेटेस्ट नंबर करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे समझ लीजिए इसको, आपने ये लिखना नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ समझिए इसको। इफ़ द रिमाइंडर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड देन द डिविजर विल डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली। अगर आपका जो रिमाइंडर, अगर आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड से आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी आपका जो डिविडेंड होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो आपका क्या होगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स मिले, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए जब आप ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं तो आपको एचसीएफ करना है, तो आप क्या करेंगे, जितने आपको, जैसे 3 नंबर्स आपको मिले हैं, 63, 35 एंड 77, तो आप इनके जो आपको रिमाइंडर यहाँ पे मिला है 7, तो आप सबसे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपने 7 माइनस कर दिया तो आपको 56 आया यहाँ पे, फिर आपने दूसरे नंबर से 35 से 7 माइनस करा तो हमारा 28 आया, 77 से 7 तो आपका क्या आया, 70।
ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, इन सब का आप क्या करेंगे, एलसीएम 56 का, 28 का एंड 70 का आप एसएफ निकालेंगे। एसएफ आपको पता है प्राइम फैक्टर से हम कर रहे हैं, 56 का आपने अलग फैक्टर्स निकाले हैं, 28 के अलग फैक्टर्स निकालेंगे और 70 की भी आप अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब आप 56 के फैक्टर्स निकालेंगे, सेम उसी तरीके से करना है आपने, इसको डिवाइड करते चले जाना है। 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 7 14, 7 1 7। फैक्टर निकालने का आपको पता है कि लास्ट में आपके जब तक आपको 1 नहीं आता तब तक आप क्या करते रहते हैं, उसको डिवाइड करते रहते हैं। फिर आपका 28 है, 2 1 2 एंड 2 4 8, देन 2 7 14, 7 1 7। फिर 70 को हम करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 35 है, यानी कि आपका क्या है, 5 है लास्ट में डिजिट नंबर में, तो ये आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को हमने 3 से किया तो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। फिर हमने 5 से करेंगे तो 5 7 35, लास्ट में क्या है, 7 1 7। अब ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए आपके, देखिए 56 के 2 × 2 × 7, 28 के फैक्टर्स 2 × 2 × 7, 70 के 2 × 5 × 7। अब आपको पता है कि एसएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 2, देखिए यहाँ पे तीनों में यहाँ पे कॉमन है, अब यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है कुछ भी, यहाँ पे 2 सिर्फ इसी के पास 2 है, यहाँ पे इन दोनों में 2 नहीं है। 7 देख लीजिए, 7 यहाँ पर भी है, दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे फैक्टर्स में यहाँ पे आपका 7 है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गए, 2 × 7, तो 2 × 7 क्या हो गया आपका, 14। तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर वो निकल के क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, 14। अब आप इसको चेक कर लीजिए, 14 आपका आ गया, तो आप 56 को 14 से आप करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे फिर 14 को 20 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 14 यहाँ पे क्या आ गया, आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। यहाँ पे आपका ये सॉल्व है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है चेक, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर आप 63 को 14 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप करके देखना इसको, तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। इसको आपने इतना जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल क्या करेंगे, एसएफ निकाल दीजिए और उसका जो आपका यहाँ पे पहले आप माइनस कर लेंगे रिमाइंडर को हर नंबर से, फिर उसके क्या करेंगे आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर लास्ट में आप इसका एसएफ करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 14। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 60 में भी है, जो अब तक आपने किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए थे, 4 जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बोला है आपने लर्न करना है, और जो आपको आज 2 क्वेश्चंस इस तरीके के करवाए हैं, सेम उसी टाइप के आपके पेज नंबर 60 में क्वेश्चंस हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे आपका चैप्टर ये क्या है, कम्प्लीट है। नेक्स्ट टर्न में हम न्यू चैप्टर क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको और इजी वे में करवाने की कोशिश करूँगी, तो आपको बताना है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।